दोस्तों सोचिए कि अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप अभी होटल में जाके खाना खा लीजिए या ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, लेकिन पैसे आपको बाद में पे करने पड़ेंगे, यानी ईट नाउ पे लेटर। सपोज आप रेड बस से टिकट निकाल रहे हो और आपको कहा जाए कि पे कर दो, 3 दिन के बाद मुझे पैसे दे देना। अगर आपको ऐसा कहा जाए तो कितना बढ़िया हो जाए और हमारा काम कितना आसान हो जाए। यही एक चीज़ इंडिया में निकाली गई है जो लेजी पे के नाम से मशहूर है, फिलहाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। सपोज अगर आप मुंबई में BST बस से सफ़र करते हैं तो आप लेजी पे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेडलर ऐप यूज़ कर रहे हैं तो लेजी पे का ऑप्शन वहाँ पर आपको मौजूद है। अगर आप PVR सिनेमास की टिकट्स निकाल रहे हैं फिल्म देखने के लिए तो लेजी पे का ऑप्शन आपको मौजूद मिलेगा। रेड बस से टिकट निकाल रहे हैं अपने गाँव जाने के लिए या कहीं भी सफ़र करने के लिए तो लेजी पे का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर आप abhibus.com से कर रहे हैं, खसूस से कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो सब जगह आपको लेजी पे का ऑप्शंस दिखाई देगा। सपोज अगर आप BST का पास निकाल रहे हैं, यानी मंथली पास निकाल रहे हैं या BST की टिकट निकाल रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करें? तो आप सीधा BST के पास के कॉर्नर में जाए, वहां पर पास बुक कर लीजिए। लेजी पे को यूज करते हुए आपकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन याद रखिए लेजी पे को आपको 3 दिन के अंदर वो पैसा पे करना है। अगर आपने लेजी पे को 3 दिन के अंदर पैसा पे कर दिया तो लेजी पे आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, लेकिन हाँ 3 दिन के बाद अगर आपने पैसा पे किया तो लेजी पे आपको तकरीबन 10 रुपया पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता जाएगा। तो लेजी पे आपको तकरीबन 15 से 18 दिन का समय देता है, उस दिन में आपको ये चीज़ लौटानी है। याद रखिए लेजी पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो आप अपनी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज़ किया जाए ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि लेज़ी पे का यूज़ करते हुए आप रिडलर से अपने मंथली पास किस तरह निकालें। मैं पहले रिडलर ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट पास पे जाता हूँ। मेरा मोबाइल पास है तो मैं मोबाइल पास पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा मोबाइल पास आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा फ़ोटो है और ये एक्सपायरिंग सून लिखा है और यहाँ पर रिन्यू का ऑप्शन आया हुआ है, तो मैं रिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मुझे मंथली पास निकालना है, उसे सिलेक्ट करता हूँ और परचेज पास पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको पेमेंट के मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 450 पेबल अमाउंट है आपका, आपका पास ऑर्डिनरी है और यहाँ पर नेट बैंकिंग वॉलेट, ये नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है। और यहाँ पर एक साइड में एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है, वो है पे लेटर। यही ऑप्शन है जो आपका लेजी पे का ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, उस पर गौर दीजिए। यू आर एलिजिबल टू यूज़ लेजी पे। जब आप रिडलर पे लेजी पे यूज़ करते हो तो उसके पहले आपको लेजी पे द्वारा एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप लेजी पे से पे नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, यहाँ पर लेजी पे लेट्स यू डू ट्रांजेक्शन टू पे लेटर एट योर कन्वीनियंस बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले आप अगर पे कर लेते हैं, यानी आपके पास पैसा है नहीं, तो आप लेजी पे के ज़रिए पैसा पे करके बाद में लेजी पे को पैसा ड्यू डेट के अंदर वापस कर सकते हैं। तो मैं लेजी पे के ज़रिए बोलता हूँ प्रोसीड टू पे। अब ये पेड हो चुका है और मेरा ट्रांजेक्शन हो चुका है। मैं इसका मैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैसेज क्या आया हुआ है। डियर लेजी पे कस्टमर, योर पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन LPTX ट्रांजेक्शन नंबर दिया गया है ऑन रेगुलर लेजी पे 450 हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली। यू कैन पे बैक बाई 18 दिसंबर 2017। देखिए आज तारीख है 4 दिसंबर और मैं पे करने की मुझे तारीख दी जा रही है 18 दिसंबर, यानी तकरीबन 15 दिन का या टाइम मेरे को मिल रहा है, 14 से 15 दिन का टाइम मुझे मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे ना हो पास निकालने के, तो आप लेजी पे के ज़रिए इजीली पास निकाल सकते हैं विदाउट खर्चा के, और जब आपकी पेमेंट हो जाए और लेजी पे में आप पे कर सकते हैं। दोस्तों एक मेल भी आता है आपको अपने ईमेल आईडी पे जिसमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती है और पे नाउ का ऑप्शन होता है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप पे कर देंगे तो इसमें कोई चीज़ यहाँ पर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। मैं आपको पेमेंट ऑप्शन बताता हूँ पे नाउ पे क्लिक करके किस तरह आपको पे करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने इस तरह ओपन होगा जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स लिखी होगी। मेरी ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग है 450, जो मैंने पास खरीदा था वो आउटस्टैंडिंग दी गई है। अब मुझे यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा उसे पेमेंट करने के लिए। मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं पे करने के, कार्ड द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा या UPI द्वारा आप पे कर सकते हैं, तो मैं कार्ड चूज़ करता हूँ ICICI।
और इसकी पेमेंट करता हूँ। पेमेंट करने के बाद मुझे इस तरीके से मेल आएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है, और लेज़ी पे से मुझे मैसेज भी आ जाएगा। दोस्तों इस तरह आप लेज़ी पे के ज़रिए आसानी से किसी भी चीज़ को पहले ख़रीद सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट लेज़ी पे के द्वारा आप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इरफान सैयद आपसे विदा लेता हूँ, दुआ में याद रखिएगा।